बानो और हैवान। बच्चों, बहुत जमाने की बात है, किसी शहर में एक सौदागर रहता था जो कारोबार न होने की वजह से उन दिनों गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। उसकी चार लड़कियां थी, गुलबानो, शहरबानो, कमरबानो और सबसे छोटी हुस्नबानो। हुस्नबानो अपनी तमाम बहनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत और नेक थी, जबकि तीनों बड़ी बहनें बदशक्ल, बदमिजाज, काहिल और कामचोर थीं। वो सारा दिन आराम से बैठी रहती और अपने तमाम काम हुस्नबानो से करवाती रहती। ए हुस्नबानो, मैंने तुझसे चाय मांगी थी, क्या हुआ? अरे ओ हुस्नबानो, मेरा नाश्ता भी देखी या नहीं? भूख से मेरा पूरा हाल हो गया है। मेरे कपड़े जब सूख जाए तो उन पर इस्त्री भी कर देना हुस्नबानो। कर दूंगी बाजी, कर दूंगी। मैं आप सब लोगों के तमाम काम कर दूंगी। पहले अब्बू के लिए गुसलखाने में पानी तो रख दूं। सुबह के गए हुए हैं, वापस आकर नहाना चाहेंगे। ठीक उसी वक्त सौदागर खुशी से हाँफता हुआ घर में दाखिल हुआ। हुस्नबानो, अब बेटी हुस्नबानो, गुलबानो, शहरबानो, कमरबानो, अरे कहाँ हो तुम लोग? जी अब्बू, जी अब्बू, जी अब्बू। बड़े खुश नजर आ रहे हैं अब्बू, क्या बात है? बात ही ऐसी है बेटी, हमारे नसीब जागने वाले हैं। अच्छा, वो कैसे? बेटी अभी अभी मालूम हुआ है कि सामान से भरा हुआ मेरा जहाज जो समंदर में गुम हो गया था ना, वो मिल गया है। रास्ता भूल गया था, अब बंदरगाह पर आने वाला है। ओए अल्लाह, शुक्रिया खुदाया। मुझे आज ही जाना है बेटी। आप बताओ, अच्छा तुम लोगों के लिए क्या क्या तोहफे लाऊं? अबू मेरे लिए कीमती हीरों का एक हार ले आइएगा। अबू मेरे लिए एक खूबसूरत कमखाब का जोड़ा। और मेरे लिए जड़ाव नगीने की चार चूड़ियाँ। अच्छा अबू सुबानो, बेटी तुमने कुछ नहीं बताया। अबू आप खैरियत से वापस आ जाए, मेरे लिए इससे बड़ा तोहफा और क्या होगा? ये क्या बात हुई बेटी, भाई बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? अच्छा तो फिर अबू आप मेरे लिए सफेद गुलाब का फूल लेते आइएगा। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। और इस तरह बेटियों से रुखसत होकर सौदागर सीधा बंदरगाह की तरफ चल पड़ा। एक लंबे सफर के बाद सौदागर बंदरगाह पर पहुंच गया। हर रोज जहाज आते और जाते रहे, मगर वो जहाज ना आया जिस पर उसका सामान था। आखिर एक दिन सौदागर एक नए आने वाले जहाज के कप्तान के पास गया। भाई कप्तान साहब, मेरा एक जहाज था नीले रंग का, बड़े बड़े सफेद बालों वाला, जाहिर नाम था उसका। आपको उसके बारे में कुछ मालूम है? अब तक आया क्यों नहीं? कब तक आने वाला है? अच्छा अच्छा शाही, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सौदागर साहब, आपके जहाज का सारा सामान समुद्री कंगों ने लूट लिया है। जाते जाते जहाज को भी आग लगा दे। बेचारे सौदागर की सारी उम्मीदें खाक में मिल गईं। अपनी किस्मत को कोसता हुआ आखिरकार वो अपने शहर की तरफ चल पड़ा। रात आई तो रात गुजारने के लिए किसी ठिकाने की तलाश कर ही रहा था कि वो एक जबरदस्त तूफान निकल गया। तूफान रुक जाने के बाद जब चांद की रोशनी चारों तरफ फैली तो सौदागर ने अपने आप को एक बहुत पुराने महल के सामने खड़ा हुआ पाया। कमाल है, इस जंगल में इतना बड़ा महल, पता नहीं कोई रहता भी है या नहीं, चल कर देखता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए, ना भी मिले तो सच से तो बच जाऊंगा,
रात गुजार कर सुबह को सफर शुरू करूंगा। बाहर से कितना पुराना नजर आ रहा था मगर अंदर से कितना शानदार महल है। साफ सुथरी मेज, कुर्सियां, गर्मा गर्म बिस्तर, अरे यहां तो मजे मजे के खाने भी मौजूद हैं। मगर ये महल खाली क्यों पड़ा है? कोई है? अरे कोई है? मगर जब कहीं से कोई जवाब न मिला तो सौदागर ने बगैर कुछ सोचे खाने पर हमला कर दिया और खूब पेट भरकर खाना खाया और फिर गर्म गर्म बिस्तर में लिहाफ ओढ़ कर सो गया। सुबह हुई तो रवाना होने से पहले सौदागर की नजर एक फव्वारे पर पड़ी। इतना खूबसूरत फव्वारा और इतने ढेर सारे हर तरफ फैले हुए सफेद गुलाब के पौधे, किसी और के लिए तो कोई तोहफा नहीं ले सका, कम से कम उस बहनों के लिए तो सफेद गुलाब का तोहफा ले ही लूं। सौदागर ने गुलाब तोड़ ही था कि डरावनी आवाज सुनकर सौदागर ने जो पलट कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। सारे जिस्म पर लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े नाखून, तेज चमकते हुए दांत, बिल्कुल हैवानों की शक्ल वाला एक खौफनाक इंसान सौदागर को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे महल को इस्तेमाल किया, मेरा खाना खाया, मेरे बिस्तर पर सोए और अब मेरे सबसे पसंदीदा बाग से सफेद गुलाब चुरा कर ले जा रहे हो। इस बाग में कदम रखने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता, समझे? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आपने अगर मुझे मार दिया तो मेरी बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाएगी, मेरे अलावा दुनिया में उनका कोई नहीं है, कोई नहीं। कितनी बेटियां हैं तुम्हारी? चार बेटियां हैं। जहाज जल जाने की वजह से अपनी तीन बड़ी बेटियों के लिए कोई तोहफा न खरीद सका। छोटी बेटी ने सफेद गुलाब की फरमाइश की थी, ये गुलाब का फूल ये मैंने उसी के लिए तोड़ा है। तुम्हारी बेटियों को तोहफा भी मिल जाएगा और तुम्हारी जान भी बच सकती है, मगर एक शर्त। मुझे मंजूर है। तुम अपनी चारों पीढ़ियों में से किसी एक को मेरी खिदमत करने के लिए मेरे महल में भेज दो, वरना तुम्हारी जिंदगी खतरे में रहेगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छी बात है। वादा, मैं वादा करता हूँ। मैं अगर तीन दिन के अंदर अंदर अपना वादा पूरा ना किया तो मौत के मुंह से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। नहीं, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। जरूर सुनो, अगर तुम्हारी नियत बदल गई तो तीन दिन गुजर जाने के बाद तुम्हारी मौत की पहली निशानी ये होगी कि तुम्हारे कमरे में जो बड़ा आईना दीवार से लगा हुआ है वो गिरकर टूट जाएगा। दूसरे दिन तुम जिस कमरे में सो रहे होगे उसकी छत टूट कर गिर जाएगी। तीसरे दिन जिस पलंग पर तुम सो रहे होगे वो टूट जाएगा और तुम जमीन पे गिर जाओगे। चौथे दिन शाम होने से पहले मैं तुम्हें वहीं आकर मार डालूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप मुझको यकीन कीजिए, मैंने जो कुछ कहा है बस वैसे ही करूंगा, ऐसे ही। अच्छा, तो अपनी बेटियों के लिए ये तोहफे लो और जाओ। बड़ी बेटियों के लिए हैवान के दिए हुए तोहफे लेकर सौदागर जब घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसने सोचा, वादा तो मैंने कर लिया है मगर
मैं अपनी बेटियों से कहूंगा कैसे, मैं किसको भेज सकूंगा? ये तो चारों ही बराबर हैं, चारों ही प्यारी हैं। नहीं नहीं, नहीं मैं किसी को नहीं भेजूंगा, किसी को नहीं। मारता है तो मार डाले मुझे। हाँ, तीनों बड़ी बहनें तो अपना अपना तोहफा लेकर उसमें मगन हो गई, मगर सौदागर की परेशानी हुस्न बानू की नजरों से छुपी न रह सकी। आप कुछ फिक्रमंद नजर आ रहे हैं अब्बू, क्या बात है? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। जहाज जल गया तो क्या हुआ? अल्लाह ने चाहा तो दूसरा जहाज आ जाएगा। इतना परेशान तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा था अब्बू, बताइए ना क्या बात है? कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। तुम जरा चाय बना दो, बड़ी ख्वाहिश हो रही है मेरी। अच्छा अब्बू। सौदागर चूंकि फैसला कर चुका था कि हैवान की शर्त का जिक्र किसी से नहीं करेगा, इसलिए जब भी उसने बानू ने उसकी परेशानी की वजह मालूम करना चाही तो वो टालता रहा, और इस तरह एक दो और तीन दिन गुजर गए। चौथे दिन सुबह सवेरे सौदागर नहाने के बाद आईने के सामने खड़ा बालू में कंघी करने ही चाहता था कि आईना गिरकर टूट गया। पहली निशानी पूरी हो गई, अब क्या होगा? सौदागर सारा दिन सख्त परेशान रहा, मगर उसने हुस्न बानू के बार बार पूछने के बावजूद भी कुछ ना बताया। दूसरा दिन आया तो सौदागर ने अपने सोने का कमरा बदल लिया और दूसरे कमरे में जाकर सो गया। परेशानी की वजह से उसे रात भर नींद ना आई। सुबह के वक्त उसकी आंख लगी ही थी कि ये तो दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। अब क्या करूं मैं? इस बार भी हुस्न बानू ने परेशानी की वजह मालूम करने की बहुत कोशिश की, मगर सौदागर कुछ ना बता सका। तीसरा दिन आ गया तो सौदागर ने वो पलंग ही बदल डाला जिस पर वो सोया करता था। वो पड़ोसी के हाथ से एक तख्त मांग कर लाया और बाहर बरामदे में उस पर अपना बिस्तर लगवाया। रात हुई, चारों बेटियां खाने से फारिग होकर अपने अपने कमरों में चली गई तो डरते डरते सौदागर तख्त पर लेटने के लिए गया। अभी वो पैर फैला कर लेटा ही था, ये तख्त भी टूट गया, उसकी तीनों निशानियां पूरी हो गई। अब मैं जिंदा नहीं बच सकता, अब मैं जिंदा नहीं बच सकता। वो मुझे आके मार डालेगा, वो मुझे आके मार डालेगा। बचाओ, बचाओ। क्या हुआ? कौन आकर आपको मार डालेगा, बताइए ना। आखिरकार सौदागर ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुना दी, हैवान की शर्त का जिक्र किया और तीनों निशानियों के बारे में भी बताया। ना पापा ना, मैं तो उस दरिंदे के पास कभी भी नहीं जाऊंगी। मुझे तो बुरी शक्लों के इंसान ही पसंद नहीं है, उस कमबख्त हैवान के पास कौन जाएगा? मैं तो खिदमत करवाने के आदि हूँ, दूसरों की खिदमत मुझसे नहीं होगी। बड़ी बहनों का ये जवाब सुनकर हुस्न बानू से चुप न रहा गया। आप लोगों को तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, उस हैवान की खिदमत करने मैं जाऊंगी। सौदागर की आंखों में आंसू आ गए। हुस्न बानू बेटी, तुम? जी अब्बू, आपकी जिंदगी की खातिर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। मेरी बेटी, खुदा तुम्हें सुखी रखे। और इस तरह हुस्न बानू अपना घर बार छोड़कर हैवान के महल में पहुंच गई। मेरी सूरत देखकर तुमको डर तो नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, तुम्हारे लिए सादा काम नहीं होगा, बस घर की सफाई का ख्याल रखना और मेरे लिए जो चाहे पका दिया करना। जी 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 जी। अब तुमको भूख लग रही होगी, चलो चलकर खाना खा ले। चलिए। मैं को
कोशिश करूंगा कि तुमको मेरे साथ से कभी कोई तकलीफ ना पहुंचे। शुक्रिया। जी ये देखो, ये है मेरे सफेद गुलाब के फूलों का बाग। और ये गुब्बारा कितना खूबसूरत है। यहाँ आकर चिड़िया सुकून से पानी पीती है, उनको परेशान करने वाला कोई नहीं होता। बल्कि अगर मैं कभी खुद भी परेशान होता हूँ तो यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। वाकई बहुत ही पुरसकून जगह है। मैं इस बाग में कभी किसी को नहीं आने, मुझे ये बाग बहुत अजीब है। कोई अगर यहाँ से एक फूल भी तोड़ ले तो मैं उसे कभी माफ नहीं करता। जानती हूँ, अबू ने बताया था। मगर ये पाबंदी तुम्हारे लिए नहीं है। तुम यहाँ जब चाहो आ सकते और जितने फूल चाहो तोड़ सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर एक बात तो बताइए। पूछो पूछो। आपने अपना ख्याल रखने के लिए मुझे यहाँ बुलवाया था, मगर हर वक्त आप ही मेरा ख्याल करते रहते। तुम्हारे ख्याल से मुझे कितना सुकून मिलता है, कितनी खुशी होती है, तुम ये नहीं समझ पाओगी। आज मैं आपसे लड़ाई करने आई हूँ। क्यों 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 क्या क्या किया है मैंने? घर में नया नौकर रख लिया और मुझे बताया भी नहीं। नहीं तो यकीन करो हुस्न बानो, कोई नया नौकर नहीं रखा गया है। नौकर नहीं रखा गया तो सुबह सुबह मेरे कमरे में चाय कौन रख गया था? नहाने के लिए पानी किसने गर्म किया? मेरे कपड़ों पर इस्त्री किसने की? और रात के झूठे बर्तन किसने धोए? बताइए ना। बात ये सुन मानो। अच्छा मैं नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको हरगिज जाने नहीं दूंगी। आज इसका फैसला होकर रहेगा। आइए मेरे पास बैठे। तुम्हारे पास मैं बैठूं? हाँ क्यों नहीं। तुम इतनी खूबसूरत हो और इतना बदसूरत। खूबसूरती और बदसूरती तो इंसान के दिल से होती है, चेहरे से नहीं। और आपका दिल तो बहुत ही अच्छा है। यानी तुम मुझसे डरती भी नहीं हो, नफरत भी नहीं करती हो। इतने अच्छे इंसान से भला कौन नफरत कर सकता है? हैवान की नेकी और उसका सुलूक देखते हुए हुस्न बानो के दिल में उसकी तरफ से हमदर्दी पैदा हो चुकी थी। बल्कि जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो उसे अच्छा भी लगने लगा। एक दिन की बात है, हुस्न बानो ने सवेरे उठते ही हैवान से कहा, रात मैंने ख्वाब में देखा है कि अब्बू की तबीयत सख्त खराब है, मैं फौरन उनके पास जाना चाहती हूँ। तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? अब्बू को मेरी जरूरत है। अब्बू की सेहत ठीक होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। एक बार चली गई तो फिर वापस नहीं आओगी। मैं वादा करती हूँ जरूर वापस आऊंगी। अच्छा, अगर तुम 7 दिन के अंदर अंदर वापस नहीं आई तो फिर मुझे भी जिंदा नहीं पाओगी। अल्लाह ना करे मरे आपके दुश्मन। तो फिर ये जादू की अंगूठी रख लो, तुम इसे पहनकर पलक झपकते ही अपने अब्बू के पास पहुँच जाओगी, और जब वापस आना चाहो तो मेरे पास आ जाना। अच्छा, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। घर पहुंचकर हुस्न बानो ने अपने अब्बू की खिदमत और देखभाल में दिन रात एक कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता सौदागर की तबीयत ठीक होने लगी और ठीक 15वें दिन वो बिल्कुल सेहतमंद हो गए। उसी रोज हुस्न बानो ने ख्वाब में देखा, सात दिनों में वापस आने का वादा किया था हुस्न बानो, मगर अब तो 15 दिन हो गए। आना है तो आ जाओ, वरना मरने के बाद भी मैं तुम्हारी याद में बेचैन रहूंगा।
उसने भानु चौंक कर नींद से उठ बैठी और सुबह होते ही उसने अपना फैसला सुना दिया। पागल हो गई हो, तुम चली गई तो घर के कामकाज कौन करेगा? दीवानी हो गई हो। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया उस मानो। उस हैवान की खातिर तुम हम सबको छोड़ देना चाहती हो? हैवान ना कहो बाजी, वो हम सबसे बेहतर इंसान है। होगा बेटी, जरूर होगा, मगर इतना बड़ा फैसला करने से पहले कम अज कम अपनी और उसकी सूरत का मुकाबला तो कर लिया होता। सूरत से क्या होता है अब्बू, असल चीज तो सीरत होती है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जा रही हूँ। और जादू की अंगूठी की मदद से हुस्न बानू पलक झपकते ही हैवान के महल में पहुंच गई। महल में पहुंचते ही हुस्न बानू ने चारों तरफ तलाश शुरू कर दी। बदसूरत इंसान एक निहायत खूबसूरत शहजादे में बदल गया। ये क्या हो गया? कौन है आप? अच्छा, अब आप मुझे पहचानती भी नहीं है। मोहतरमा हुस्न बानो। अच्छा, तो ये आप हैं। मगर ये सब हुआ कैसे? हुआ इस तरह के चुड़ैल ने जादू के जोर से मेरी शक्ल हैवानों जैसी बना दी थी और कहा था कि जब तक कोई हसीन लड़की तुमसे मोहब्बत नहीं करेगी तुम अपनी असल शक्ल में वापस नहीं आ सकते। मगर जैसे ही तुमने मेरा हाथ अपनी आंखों से लगाया उस चुड़ैल के जादू का असर खत्म हो गया और मैं अपने असली रूप में वापस आ गया। अब मुझसे अगर अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा शहजादे साहब। नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा मिलेगी। सजा? तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें हुस्न बानो से शहजादी हुस्न बानो बनना पड़ेगा। कहो मंजूर? बादशाह सलामत और अब्बू के होते हुए मैं फैसला करने वाली कौन होती हूँ? और बच्चों, फैसला उन दोनों के हक में हुआ और इस तरह शहजादी और हुस्न बानू की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। हुस्न बानू के अब्बू और उसकी बहनें भी महल में आ गई। अब उन्होंने काहली छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दी थी और बदशक्ल लोगों से नफरत भी करना छोड़ दिया था और इस तरह तमाम लोग हंसी खुशी के साथ जिंदगी के दिन गुजारने लगे।